Good morning. Today is 20 September 2016 and we are going to discuss the articles of the Hindu. जो पहला हमारा आर्टिकल आपको पता होगा, आतंकवादियों ने यूरी जम्मू कश्मीर में अटैक किया और 18 हमारे सेना के जवान उसमें शहीद हो गए हैं और अच्छा खासा एविडेंस अभी निकल कर आ रहा है कि वो पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिस्ट थे और पाकिस्तान की आर्मी ने बॉर्डर पास करवाने में उनकी सहायता की। देखिए, ये पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी हो चुकी है कि टेररिस्ट को सपोर्ट करना। अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान ऐसा करता है और इंडिया में तो कंटिन्यूसली पिछले 30 सालों से पाकिस्तान हैज बीन डूइंग दिस फॉर लास्ट 30 इयर्स सिंस 1918। पाकिस्तान को जब यह समझ में आ गया कि वो कन्वेंशनल वार जो है भारत से नहीं लड़ सकता, उसने कोशिश की। 1948 में वार किया और 65 में, 71 में, इवन 99 में वार किया, वो तो बात की बात है, लेकिन 80s तक उसको समझ में आ गया कि वो कन्वेंशनल वार इंडिया से नहीं जीत सकता, तो उसने गुरिल्ला टेररिस्ट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी इस पे पूरे अटैक पे एक बहुत ज्यादा असर्टिव स्टैंड रहा और उन्होंने कहा कि नो टेररिस्ट और नो परपेट्रेटर विल गो अनपनिश्ड। देखिए, अब उन पर प्रेशर इतना ज्यादा है, उन पर मीडिया का प्रेशर है, लोगों का प्रेशर है और बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या इसका हमारा स्टेप होगा इंडिया का? मोस्ट प्रोबेबली तो डिप्लोमेटिक वार या फिर इकोनॉमिक वार ही होगा। और देखिए, कश्मीर की पॉलिसी जो है हमारी टेरर से निपटने के लिए, वो कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं है और कोई भी इसका फिक्स्ड रिस्पॉन्स नहीं है, नो फिक्स्ड रिस्पॉन्स ऑन दिस। जब भी अटैक होता है हम कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते हैं और कुछ ना कुछ स्टेप उठाने की बात करते हैं, लेकिन कुछ भी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हमारे यहाँ पर नहीं है। तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी और एक सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत बनाना होगा हमें, ताकि ये जो इंटेलिजेंस लैप्सिस हैं और ये सारा का सारा सिक्योरिटी रजीम है जम्मू कश्मीर में, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी हमें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और एक इफेक्टिव पॉलिसी बनानी होगी। ये जो टेररिस्ट स्ट्राइक्स हैं 1980 में स्टार्ट हुआ और 2014 तक आते आते ये काफी कम हो गया था, लेकिन जैसे ही मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आई 2014 से ये दोबारा से फिर से सक्रिय हो गया। और इसका रीजन क्या है वो हम अगले आर्टिकल में पढ़ेंगे, इसका रीजन डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, जो इन्फिल्ट्रेशन है 2014 के बाद से घुसपैठ बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हमें चाहिए एक रैशनल फॉरेन पॉलिसी और एक सभी मोदी जी को और जो गवर्नमेंट है सभी लीडर्स को साथ में लेके एक नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी और डॉक्ट्रिन बनाना होगा जो कि ब्रॉड भी हो और इफेक्टिव भी हो। और इंडिया को यह दिखाना होगा सिर्फ हम एक कैपेबल पावर नहीं है, हम करने में भी सक्षम है, सिर्फ रिटोरिक बोलते बोलते नहीं है, एक डेटरेंस क्रिएट करनी पड़ेगी पाकिस्तान के खिलाफ में। लेकिन दिक्कत तो यही है, पाकिस्तान पे डेटरेंस का असर होता ही नहीं, पाकिस्तान इज ए फेल्ड स्टेट, टेरर स्टेट। लेकिन ठीक है, जो भी है, जो हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी और डॉक्ट्रिन बनानी होगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अंदर हो और सिर्फ बोलने बोलने या फिर इमोशन से काम नहीं चलेगा, रीजनिंग और रैशनल थिंकिंग चाहिए हमें ये बनाने के लिए। ये तो था हिंदू का एक एडिटोरियल वाला आर्टिकल। जो अगला आर्टिकल है वो भी हम एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। ये आर्टिकल लिखा है AS दौलत ने, ये फॉर्मर रा हेड है, अच्छा आर्टिकल है इनका भी। इन्होंने पहले ये लिखते हैं कि देखिए, पहले भी बहुत सारे अटैक्स हुए हैं, दिस इज नॉट द फर्स्ट अटैक द पाकिस्तान हैज कास्ट टू अस, इन द पास्ट ऑल्सो देयर हैज बीन अटैक ऑन द पार्लियामेंट, देयर हैज बीन अटैक ऑन द मुंबई एंड द कश्मीर ऑल्सो देयर हैज बीन द मेनी अटैक्स। और समस्या ये कब स्टार्ट हुई, समस्या देखिए तब स्टार्ट हुई, मोदी ने अच्छा कदम उठाया, मोदी लाहौर में गए बिना बताए और उसके बाद से मोदी ने बहुत कोशिश की पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे करने की। लेकिन दिक्कत तब स्टार्ट आई, आपको याद होगा पनामा पेपर्स रिलीज हुए थे, पनामा पेपर्स जिसमें ब्लैक मनी डिक्लेयर हुई थी काफी लोगों की कि फॉरेन में ब्लैक मनी इकट्ठी कर रखी है काफी इन्फ्लुएंशियल लोगों ने, जिसमें नाम आया नवाज शरीफ का भी। नवाज शरीफ जो है वो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और उनका नाम आने के बाद में वो वहां पर एक डिफेंसिव मोड पर चले गए, डिफेंसिव मोड पे मतलब अंडर प्रेशर मीडिया से, आर्मी से, लोगों से, उनके खिलाफ में ओपिनियन खिलाफ होने लगी। तो उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए, जो बुरहान वानी जो आतंकवादी था जिनकी हत्या की गई थी, ध्यान भटकाने के लिए उस पे कश्मीर पे एक एग्रेसिव स्टेटमेंट देनी स्टार्ट कर दी, ताकि क्या होगा कि लोगों का ध्यान उनके जो पनामा पेपर्स है उनकी करप्शन से हटकर कश्मीर की तरफ जाएगा, तो यहां ही से समस्या स्टार्ट होनी स्टार्ट हो गई। तो उसके खिलाफ में इंडिया ने भी बलूच का नाम लिया, इंडिपेंडेंस स्पीच में इंडिया ने बलूचिस्तान का नाम लिया। इंडिया के पीएम क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि विल नॉट गो अनपनिश्ड, जैसा मैंने पहले भी कहा। और ये जो अटैक था काफी सालों से सबसे बड़ा अटैक था, मोदी को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करना चाहिए। यह रणनीति पहले भी काम की और अभी भी काम करेगी। देखिए, 2001 में जब अटैक हुआ था
हमारी पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, तब भी हमने पाकिस्तान को आइसोलेट करना स्टार्ट कर दिया था, और उसके बाद से हमने क्या किया था, उसके बाद से हमने उनके साथ रिलेशंस डिग्रेड कर दिए थे, अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया था और हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया था। तो ये रणनीति काम करी। आप देखिए 2001 से लेकर 2008 के बीच में तब तक काफी कम अटैक्स वहां पर हुए। और जो दूसरा जो ऑप्शन निकल के आता है वो सर्जिकल स्ट्राइक का। सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है, जैसे दूसरे देश की सीमाओं के अंदर जाके, बॉर्डर के अंदर क्रॉस करके, और जो भी ठिकाने हैं यानी इंसर्जेंट्स जो एनिमीज के ठिकाने हैं उन पे अटैक किया जाए, इसको कहते हैं सर्जिकल अटैक्स। लेकिन सर्जिकल अटैक्स करने से पहले हमें देखो दो बातों का ध्यान रखना होगा। ये देखिए स्क्रीन पर देखिए, एक तो सर्जिकल अटैक उन कंट्रीज पे किया जाता है जहां जिनके साथ रिलेशंस अच्छे हों। जैसे आप म्यांमार के साथ एग्जांपल लीजिए, म्यांमार में हमने सर्जिकल अटैक किया था, लेकिन पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो देखिए ऐसा तो है नहीं कि एज ए रैशनल बात कीजिए, अगर हम सर्जिकल अटैक करते हैं तो पाकिस्तान चुपचाप बैठेगा। पाकिस्तान बिल्कुल भी चुपचाप नहीं बैठेगा, और रिलेशंस और बहुत ज्यादा एग्रेवेट हो जाएंगे और सिचुएशन ज्यादा ही खराब हो जाएगी। दूसरा, सर्जिकल अटैक करने से पहले हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि जो कश्मीर में मैस है फिलहाल, देखिए जो प्रोटेस्ट का जबरदस्त साइकिल वहां पे चल रहा है और जो डेथ की टोल फिगर है वो लगातार इंक्रीज हो रही है, जो प्रोटेस्ट वहां पे साइकिल चल रहा है, देखिए एक एक प्रोटेस्टर की वहां पे मौत होती है तो उसके जो जो फनरल होती है प्रोसेशन में, अंतिम जो दफनाने जाते हैं वहां पे बहुत सारे लोग उमड़ कर आते हैं, फिर वो दोबारा प्रोटेस्ट करते हैं, दोबारा फायरिंग होती है, एक और लोग मर जाते हैं, फिर ऐसे साइकिल चल रहा है। और ये भी डर है कि वहां पे थोड़ा बहुत ज्यादा अनरेस्ट फैला तो साउथ कश्मीर से ऑलरेडी यूथ टेररिस्ट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो और ज्यादा वो टेररिस्ट को ज्वाइन ना कर ले, ये भी डर है। यहां पर देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस सिचुएशन को एक लेवल के बाद कंटेन नहीं कर सकती, वो थोड़े लेवल के बाद कंटेन तो कर लेती है, सिम्टम्स तो कंट्रोल हो जाते हैं लेकिन रूट प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है। क्या हुआ 90s में प्रोटेस्ट हुए कश्मीर में, इवन लास्ट 2010 में भी प्रोटेस्ट हुए थे। जब जब प्रोटेस्ट होते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेज जो है इसकी सिचुएशन कंटेन तो कर लेती है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमें कश्मीर का निकालना होगा ताकि सिचुएशन बार बार वोलेटाइल वहां पर ना हो। और अब देखिए, लेकिन ये दिक्कत ये दोनों अलग अलग इशू हैं, आपको समझना होगा। देखिए जो यूरी अटैक है यानी इस पे अटैक हुआ, ये एक अलग इशू है, इसको हम पाकिस्तान के नजरिए से हमें इसे देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको सपोर्ट किया है और टेररिस्ट ने वहां पे और ज्यादा अनरेस्ट फैलाने की कोशिश करी है। और दूसरा जो कश्मीर में अनरेस्ट चल रहा है वो एक अलग इशू है, हम इन दो इशूज को मिक्स नहीं कर सकते, ये दोनों अलग अलग इशू है, अगर इन दोनों को मिक्स किया तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। और पाकिस्तान को थोड़ी सद्बुद्धि की आवश्यकता है। देखिए जब आजादी मिली थी तो पाकिस्तान को सब कुछ अच्छा मिला था, इतना अच्छा उनके पास लैंड था, असली पंजाब कहते हैं उनके पास था, जो बांग्लादेश आज के टाइम में जो बांग्लादेश है यानी ईस्ट पाकिस्तान, वो भी उनके पास भी जबरदस्त फर्टाइल लैंड था, लेकिन आतंकवादियों को सपोर्ट कर करके, यूथ को माइंड वाइज करके, मिलिट्री परचेजेस कर करके उन्होंने अपने देश को तबाह करके रख दिया। अभी फिलहाल एक ये भी बात चल के आ रही है कि डीजीएमओ मीटिंग होगी, डीजीएमओ मीटिंग होगी तो एक ये फॉर्मल ही होगी, पठानकोट अटैक के बाद भी हुई थी ये डीजीएमओ मीटिंग, तो इवन मुंबई अटैक के बाद भी ये डीजीएमओ मीटिंग हुई थी, लेकिन डीजीएमओ मीटिंग से कुछ भी निकलकर नहीं आता है। तो हमें एक सीरियस डायलॉग की आवश्यकता है, ये एएस दौलत का व्यू है, हमें एक सीरियस डायलॉग की आवश्यकता है अभी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ बोथ द कंट्री शुड मीट एल्सवेयर नॉट इन इंडिया, बिकॉज व्हेनेवर दे मीट इन इंडिया और इन पाकिस्तान देयर इज अ हाई मीडिया प्रेशर ऑन देम, so they should meet elsewhere, उनको अपने देश से बाहर मिलना चाहिए जहां मीडिया का प्रेशर और लोगों का प्रेशर, पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर ना हो, क्योंकि देखिए ये सिचुएशन बहुत टेंस है, रैशनली इस सिचुएशन को टैकल करना पड़ेगा। जो एनएसए मीट है एकमात्र बैक चैनल टास्क इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी पड़ा है, और दोनों के बीच में एक अच्छी रेपुटेशन है, अच्छी रेपो है, और उन दोनों को इस रेपो को यूज करना चाहिए। और जो ये अटैक अभी हुआ है, देखिए इंडिया को बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं पाकिस्तान से और पाकिस्तान को उन क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। और जब मुंबई अटैक हुआ था तब ये बात निकल कर आ रही थी कि वहां एक आईएसआई के हेड और डीजी भारत की यात्रा पर आने वाले हैं, और इवन देखिए लेकिन वो एक अनरियलिस्टिक लग रहा था उस टाइम पर, मुंबई अटैक के बाद में सिचुएशन इतनी टेंस थी और वो आए भी नहीं, लेकिन कहा ऐसा जाता है कि अगर वो आते तो पब्लिक ओपिनियन काफी हद तक सूट डाउन हो सकती थी, लोगों की मतलब एक लेवल के साथ लोगों का गुस्सा एक लेवल के बाद ठंडा हो सकता था। देखिए कुछ भी कर लो, सॉल्यूशन एक लेवल के बाद बातचीत ही है। बातचीत में क्यों कहता हूं, क्योंकि भारत इंडिया जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और इंडिया का मुकाबला आने वाले टाइम में यूएस से है, चाइना से है,
इंडिया पाकिस्तान के साथ उलझ के नहीं रह सकता। अगर इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ वार छेड़ता है तो नुकसान इंडिया को या पाकिस्तान को कुछ नुकसान नहीं है, वो ऑलरेडी फेल्ड स्टेट है, ऑलरेडी वो देश खत्म होने वाला है, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा आने वाले टाइम में। मतलब ये थोड़ा लीनियंटली बोल रहा हूं मैं, लिखने के लिए नहीं है, लेकिन व्यू स्ट्रॉन्ग है, आंसर में यूज कर सकते हैं। इंडिया शुड आइसोलेट द पाकिस्तान, इंडिया शुड यूज द इकोनॉमिकल पावर। और ये भी निकल कर आया, देखिए सार्क में जो नवंबर में शायद मीटिंग है सार्क नेशंस की, उसमें भी इंडिया के पीएम को नहीं जाना चाहिए। ये तो अभी कहना प्रीमेच्योर होगा क्योंकि अभी तो उसमें टाइम है, तो अभी तो बहुत कुछ निकल के आ सकता है। कंक्लूजन एक ही निकलता है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमारी होनी चाहिए इस पर। अब देखिए कल एक्सप्रेस का आर्टिकल भी आया था, इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल इस पर आया था, उसमें भी दो तीन पॉइंट अच्छे थे, वो भी मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं, वो डिस्कस कर लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। तो पाकिस्तान का इशू हमारा पूरा होलिस्टिकली डिस्कस हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन इस पर आता है तो नहीं छूटेगा। तो ये कल इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में क्या लिखा था वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यूरिक अटैक में देखिए बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और इतनी कैजुअलिटीज तो टेररिस्ट ने भी नहीं एक्सपेक्ट की थी, 18 लोग, कहा जा रहा है कि एक टेंट में आग लगने से इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई। तो हमें सिचुएशन में उत्तेजना से नहीं अपने विवेक से काम लेना होगा, क्योंकि दुश्मन को भी पता है, पाकिस्तान को पता है कि हमारी उनको रिटेलिएट करने में टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिकली लिमिटेशंस हैं। जो ये स्टेटमेंट्स निकल कर आ रही हैं, जैसे राम माधव कह रहे हैं एक दांत के पीछे हम पूरा जबड़ा उखाड़ देंगे, ये तो रिटोरिक है। और ऐसे इमोशंस में फॉरेन पॉलिसी में डिसीजन नहीं लिए जाते, ऐसी उत्तेजना में डिसीजन नहीं लिए जाते। तो 26/11 हुआ, मुंबई में अटैक हुआ, तो तब से हम यही डिसाइड कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कैसे डेटर किया जाए, कैसे उसको सबक सिखाया जाए, लेकिन बिना अपना स्ट्रेटेजिक एम और इकोनॉमिक ग्रोथ छोड़े। जैसा मैंने आपको पहले बताया, हमारा मेन एम तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वही हमको पावर देती है, वही हमारा नाम कर दिया दुनिया में। अगर हमने किसी भी तरह के इन चीजों में हम उलझे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हो जाएगी, कोई कंपनी आएगी नहीं हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करने। तो कैसे, देखिए दो ऑप्शन ये हैं, एक तो है क्रॉस बॉर्डर सेलिंग कर दें, और ये भी मतलब कल के एक्सप्रेस आर्टिकल में भी यही था, एक तो ऑप्शन ये है कि क्रॉस बॉर्डर सेलिंग कर दें, और दूसरा ये है कि सर्जिकल अटैक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है क्यों फायदेमंद नहीं है एस दौलत के आर्टिकल में। क्रॉस बॉर्डर सेलिंग देखिए हमने की थी, इवन जब 90 से लेकर 2001 तक जो LOC पे काफी टेंशन थी तो काफी क्रॉस बॉर्डर सेलिंग हुई थी। क्रॉस बॉर्डर सेलिंग का पाकिस्तान पर कुछ असर पड़ता नहीं है बिल्कुल भी, और पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो क्रॉस बॉर्डर सेलिंग या फिर सर्जिकल अटैक करने से ये भी खतरा कि एक फुल स्केल वार हो जाएगा, जो कि इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि दो न्यूक्लियर वेपन्स के बीच में वार तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो हमारे पास चॉइसेस बहुत मुश्किल हैं, आवर चॉइसेस आर वेरी हार्ड, सो वी मस्ट थिंक विद द रीजन हेयर, देयर इज नो नीड टू थिंक इन द इमोशंस। सारी कंक्लूजन एक ही निकलता है, देखिए सभी भी यूपीएससी में आंसर में भी हमें यही लिखना है। ये आज फ्रंट पेज पे न्यूज है, तो ये थोड़ा ऑप्शंस है, ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं जल्दी देख लीजिए। डिप्लोमेटिक ऑप्शंस ये हो सकते हैं कि पाकिस्तान से इन्वेस्टिगेशन की मांग की जाए और उसकी एक स्पेसिफिक आउटकम्स होनी चाहिए, और हम अपने एनवॉयज और एम्बेसडर्स को भेज सकते हैं दुनिया भर की कैपिटल्स में, और पाकिस्तान के खिलाफ एक सपोर्ट जो है वो इकट्ठी की जाए, यानी पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। ये ऑप्शंस हैं सारे के सारे, द हिंदू के फ्रंट पेज पे दिए हैं, अच्छे ऑप्शंस हैं लिखने के लिए। और पाकिस्तान के साथ एक ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान के साथ तो अभी जो रिलेशन है डाउनग्रेड कर दिए जाए और अपने हाई कमिश्नर को वहां से वापस बुला लिया जाए। और चौथा ऑप्शन जो है डिप्लोमेटिक ऑप्शन है UNGA यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया जाए। और जो इकोनॉमिक ऑप्शंस है वो है सारे इस तरह के सारे के सारे, जो पाकिस्तान के साथ अभी ट्रेड चल रहा है वो बंद कर दिया जाए और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड भी बंद कर दिया जाए। लेकिन ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखिए इंडिया को फायदा है, हमने कल परसों आर्टिकल में पढ़ा था, ऑलमोस्ट 5 बिलियन का ट्रेड है और ज्यादा इंडिया में ही है, ट्रेड सरप्लस है, पाकिस्तान तो कुछ वैसे भी ऑलरेडी इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करता नहीं है इंडिया को, खैर छोड़िए। दूसरा ऑप्शन है इकोनॉमिक की जो पाकिस्तान के से इंपोर्ट होता है उसको बंद कर दिया जाए, और दूसरे कंट्रीज से भी अपील की जाए कि पाकिस्तान से जो है ट्रेड है वो बंद कर दिया जाए। और जो मिलिट्री ऑप्शंस क्या क्या हैं, मिलिट्री ऑप्शंस ये हैं कि जो पेट्रोलिंग है LOC में वो बढ़ा दी जाए, और जो पाकिस्तान के जो टेरर कैंप्स हैं उनको स्ट्राइक किया जाए POK में। जो तीसरा मिलिट्री ऑप्शन है कि पाकिस्तान जो आर्मी है उनको उन पाकिस्तान जी पोस्ट को टारगेट किया जाए जो इन्फिल्ट्रेशन को सपोर्ट करते हैं, और बस ये इस तरह के ऑप्शंस हैं। तो बैलेंस कंक्लूजन इसका यही निकल के आता है कि हमें हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमें डिप्लोमेटिक वार छेड़ना पड़ेगा और इकोनॉमिक रूम से पाकिस्तान को हर्ट करें, लेकिन ये इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। मिलिट्री ऑप्शन से एक लेवल के बाद में हमारे पास है नहीं, सिर्फ एक मिलिट्री ऑप्शन ज्यादा हो सकता है कि हम अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा मजबूत करें,
बाकी आपका अपना अपना व्यू है, आप दीजिए। आप आपने कमेंट में पहले भी अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं और एक अच्छा इंटरेक्टिव सेशन यहाँ पे होता है जब आप जवाब देते हो। तो आप बताइए आपके हिसाब से पाकिस्तान को कैसे टैकल किया जाए, काफी कंफ्यूजिंग सिचुएशन, आप अपना आंसर कमेंट में दीजिए। दूसरा जो हमारा है वो मुस्लिम लॉ से रिलेटेड है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दो चीजें सुर्खियों में रही, कौन कौन सी, एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड और दूसरा है जो मुस्लिम लॉ बोर्ड, ट्रिपल तलाक का केस वहां पर चल रहा था, ट्रिपल लॉ के जो केस था वहां पे जो मुस्लिम लॉ बोर्ड ने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे खिलाफ में, वुमेन्स के खिलाफ में दिए थे और उन्होंने कहा था कि पैट्रियार्की सही है, तो उसके कंटेक्स्ट में आर्टिकल है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी पिछले दिनों, लॉ कमीशन की रिपोर्ट जब आई थी जब उन्होंने कहा था कि जो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने कहा कि सेपरेटिज्म, कंजर्वेटिज्म एंड मिसकंसीव्ड नोशन अबाउट द पर्सनल लॉज, तो उनका साफ साफ इशारा था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ में। और देखो अब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इसका डिस्कस कर लेते हैं। जब 1990 में साबानो केस हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड बढ़ी बहुत ज्यादा और इवन सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया भी 1987 में। आपको बताया था साबानो केस क्या था जिनको नहीं पता, 1985 में देखिए 1985 में केस गया था, साबानो ने केस किया था, डाइवोर्स हो गया था साबानो का अपने पति से, तो वो जो कंपनसेशन थे वो देना चाहते थे सिर्फ 3 महीनों तक और ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मुस्लिम लॉ बोर्ड जो मुस्लिम पर्सनल लॉज है उसमें 3 महीनों तक सिर्फ कंपनसेशन देने का प्रावधान था। साबानो वही कोर्ट में उन्होंने कहा सिर्फ 3 महीने तक नहीं, ज्यादा समय तक, लंबे समय तक और काफी 10 साल 20 साल या जिंदगी भर उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए और जो ये काम है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड रैशनल हिसाब से होना चाहिए। ये मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया कि साबानो केस क्या था। तो साबानो केस के बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड आया कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने लाया, लेकिन बाद में क्या हुआ था आपको कहानी बता देता हूं। देखिए 1987 में साबानो केस के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया, तो इसके खिलाफ में क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया। मुस्लिम बॉडीज थे उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, हिंदूज ने पक्ष में प्रोटेस्ट किया, तो एक ना राजीव गांधी बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर थे उस टाइम पे, मुस्लिम वोट उनको लेने थे, तो मुस्लिम वोट उनको लेने थे, तो पार्लियामेंट में ला पास करके उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने ला पास किया था उसको निरस्त कर दिया, इनवैलिडेट कर दिया अमेंडमेंट करके। तो यानी 1987 में मुस्लिम जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो चुका था यानी ला बन चुका था यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो नहीं हुआ क्योंकि पार्लियामेंट में दोबारा से ला पास करके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को निरस्त कर दिया गया। देखिए तो 1990 में साबानो केस के बाद में मुस्लिम वुमन ग्रुप ने इसका विरोध किया था। क्यों विरोध किया था उस टाइम पर 1990 में मुस्लिम वुमन ये कहती थी कि हमारे पास हिंदूज वुमन से ज्यादा राइट्स हैं, एक सर्वे का वो हवाला देती थी और वो आर्ग्यूमेंट्स देती थी। पहला आर्ग्यूमेंट उनका ये होता था ट्रेडिशनली और हिस्टोरिकली हिंदूज वुमन को कुछ भी राइट्स नहीं दी है, उनको इवन डाइवोर्स का राइट भी नहीं है और मुस्लिम वुमन को डाइवोर्स का राइट काफी लंबे समय से है। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट दिया उन्होंने कहा कि जो पॉलीगामी है, जो उस टाइम पर एक टूवर्ड्स इक्वालिटी की रिपोर्ट आई थी, टूवर्ड्स इक्वालिटी 1974 की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि जो पॉलीगामी है यानी एक से ज्यादा शादी करना और एक से ज्यादा वाइफ्स का होना, वो हिंदूज में ज्यादा है एज कंपेरिजन टू मुस्लिम्स। और देखिए हिंदूज में ज्यादा है मुस्लिम्स की अपेक्षा और हिंदूज में तो अलाउड नहीं है, इसलिए हिंदूज में कम राइट्स है मुस्लिम्स वुमेन्स को और मुस्लिम में अलाउड है, तो साफ साफ ज्यादा राइट्स है मुस्लिम वुमेन्स को। तो एक सर्वे का हवाला उन्होंने उस टाइम पर दिया था और सर्वे क्या था, अब स्टार्ट होता है ये पूरा का पूरा वो है जो लेसन है इस आर्टिकल में। अब ये कहते हैं कि तीन लेसन को लर्न करने की जरूरत है इस पूरे के पूरे जो 1990 में प्रोटेस्ट हुए थे। जो पहला लेसन है वो है कि हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के बीच में कोई भी जो कंपेरिजन है वो नहीं होना चाहिए, सो नो कंपेरिजन बिटवीन दी हिंदूज वुमन एंड मुस्लिम वुमन, जो पहला लेसन लर्न होना चाहिए इस पूरे आर्टिकल की थीम ये है, तीन लेसन लर्न करने चाहिए और क्यों करने चाहिए वो भी आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं आर्टिकल लिखने वालों ने। तो पहला आर्टिकल है नो कंपैरिजन बिटवीन द मुस्लिम वुमन एंड हिंदूज वुमन। क्यों, देखिए क्यों, क्योंकि जो ये पिछले मैंने पहले बताया कि ये सपोर्ट कर रहे थे वो कह रहे थे कि मुस्लिम वुमन को ज्यादा राइट्स हैं और मुस्लिम पॉलीगामी में भी ज्यादा राइट्स हैं, नहीं ऐसा गलत है क्योंकि जिस सर्वे का हवाला देकर ये आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं वो सर्वे की बात कर लेते हैं। वो सर्वे बेस्ड किया गया था 1960 में वो सर्वे किया गया था सिर्फ 1 लाख पीपल पर, तो सिर्फ 1 लाख लोगों पर जब किया गया था तो ये पूरे के पूरे इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है। और दूसरा जो है आर्ग्यूमेंट ये है
कि ये किया गया था 1960 में, और ये उन वुमन पे या उन लोगों पे किया गया था जिनकी एज 1940 में, जिन्होंने शादी की थी 1940 से लेकर 1955 में शादी की थी। और हिंदूज में तो यूनिफॉर्म यानी हिंदू लॉ कोड आया 1955 में, तो उसके बाद से तो हिंदूज जो वुमेन्स में इतनी ज़्यादा सिचुएशन सुधार हो चुकी है। इवन हिंदू कोड बिल में अलग अलग लॉज निकल के आए, जैसे कि सक्सेशन एक्ट निकल कर आया, स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट निकल कर आया, ये सारे लॉज निकल कर आए, तो हिंदूज वुमेन की सिचुएशन काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। और तीसरा ये था कि जो हिंदूज में है जो पॉलीगामी है 5.7% है, और मुस्लिम में है 5.6% है। तो किसी भी सेंस में हम ये नहीं कह सकते कि हिंदूज में ज़्यादा है, क्योंकि डेटा अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, पुराना सर्वे ये था। तो पहला जो इनका लेसन है, पहला ये लेसन है कि नो कंपैरिजन बिटवीन द हिंदू वुमन एंड द मुस्लिम वुमन। और आगे देखते हैं और कौन कौन से लेसन हैं। देखिए उससे पहले इस हिंदू वुमन्स को कंपेयर करना है मुस्लिम वुमन्स को, कुछ मिलने वाला नहीं है ज्यादा, उन्हीं का नुकसान है। फ्यूचर में जाके वुमन की सिचुएशन और ज्यादा खराब होने वाली है। ये बात सच है कि ओनर किलिंग होती है, कुछ खाप पंचायत से ओनर किलिंग को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ये जो कैंपेन है, जो हिंदू मैरिज के एक्ट के कैंपेन था, और जो खाप का जो कैंपेन है हिंदू मैरिज को खत्म करने का और गोत्रा को और कास्ट जो प्रोहिबिशन इंप्लीमेंट करने का, वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है। और हरियाणा में अभी भी ऐसे एरिया हैं जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में अब डॉटर्स भी खुलकर सामने आने लगी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़मीन की मांग करने लगी हैं सक्सेशन में, यानी जो फैमिलीज में जो ज़मीन डिवाइड होती है, अब बेटियां भी उस ज़मीन का हक मांगने लगी हैं। क्यों मांगने लगी हैं? क्योंकि एक तो देखिए ज़मीन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और दूसरा इन लॉज भी उसको सपोर्ट करते हैं, उनकी इस मांग को सपोर्ट करते हैं। तो यह बात निकल कर आती है कि देखिए हिंदू में तो बहुत ज्यादा लॉज रिफॉर्म हो चुके हैं, लेकिन मुस्लिम की सिचुएशन और ज्यादा खराब हो रही है। 70 कमेटी की रिपोर्ट आई थी 10 साल पहले 2005 में, तो उसमें भी यह था कि मुस्लिम वुमेन्स की जो सिचुएशन है अभी बहुत ज्यादा खराब है, और उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि आने वाले टाइम में वो सुधरने वाली भी नहीं है। दूसरा लेसन क्या है? दूसरा लेसन यह है कि जो मुस्लिम वुमेन्स को है उनको अपने पास्ट स्ट्रगल से सीखना पड़ेगा, यानी 1990s में जो वुमन मूवमेंट्स हुई थी उनसे कुछ सीखना पड़ेगा। तो लर्निंग फ्रॉम द पास्ट स्ट्रगल, ये दूसरा पॉइंट है। अब देखिए जब 1990 में बहुत ज्यादा वुमन ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रगल किया, तो उस टाइम अभी बहुत सारी उस टाइम से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आवाज निशान, मुस्लिम राइट्स नेटवर्क और भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, बेबाक कलेक्टिव, ये सारी हैं। इनके नाम याद कर लीजिए, अपने आंसर्स में मेंस में लिखेंगे तो काफी वैल्यू एडिशन यहाँ पे होता है। और इन सब के अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स कैसे? कुछ तो कहती है कि मुस्लिम लॉज के अंदर ही सुधार होना चाहिए, बाहर नहीं, यानी कम्युनिटी से बाहर जाके नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए, अंदर अंदर सुधार होना चाहिए। लेकिन अंदर अंदर कैसे, क्या अंदर क्या बाहर, यहाँ पे तो बहुत ही कंफ्यूजन है। जैसे देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो ट्रिपल तलाक का विरोध करती हैं, वो कहती हैं इस्लाम के खिलाफ है, कुछ सपोर्ट करती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पॉलीगैमी को सपोर्ट करती हैं, कुछ विरोध करती हैं। तो यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है, उनका अंदर क्या कुछ बाहर क्या। तो मुस्लिम वुमन की जो सिचुएशन है वो हिंदू वुमन से कतई अच्छी नहीं है, उनमें एक्सट्रीम इनसिक्योरिटी और इवन लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज की समस्या भी है। और जो तीसरा लेसन है वहां पे, वो है तीसरा लेसन है कि वुमन को फेमिनिज्म के जो मूवमेंट्स हैं इनको वही एनर्जी चाहिए जो 1990s में इनके पास थी। तो एनर्जी पहला जो हमारा था वो था कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए मुस्लिम हिंदूज में, दूसरा पास्ट स्ट्रगल से सीखना चाहिए, तीसरा एनर्जी। तो तीसरा आर्टिकल हम अब डिस्कस, तीसरा आर्ग्यूमेंट डिस्कस कर रहे हैं। देखिए जो फेमिनिस्ट की जो एनर्जी थी वो बहुत ज्यादा थी 1990 में, और वैसी एनर्जी से एक कलेक्टिव वुमन मूवमेंट चलानी होगी वुमन राइट्स के लिए मुस्लिम में। और इंडिया में देखिए लॉज का सेकुलर यूज भी हो सकता है। आप एग्जांपल लीजिए जुवेनाइल जस्टिस केयर का। जुवेनाइल जस्टिस वो है जो चिल्ड्रंस को कैसे अडॉप्ट करते हैं, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस, केयर एंड प्रोटेक्शन 2007 यानी 2007 में इसे इंप्लीमेंट किया गया था। ये आंसर में लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसका एग्जाम्पल देना है। देखिए इस लॉ को भी तो माइनॉरिटीज ने अपनाया है, मुस्लिम और क्रिश्चियंस दोनों ने इस लॉ को अपनाया। अगर इस लॉ को वो अपना सकते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाने में क्या प्रॉब्लम है उनको। तो देखिए कॉमन गोल यहां पर यही है कि वुमन को इंसाफ दिला जाए, चाहे वह इंसाफ यूनिफॉर्म सिविल कोड से आए या फिर अलग अलग पर्सनल लॉज में आए, लेकिन वुमन राइट को उनको अपने राइट मिलने चाहिए, उनकी सिचुएशन में सुधार होना चाहिए। अगला आर्टिकल यूरोपियन जो आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कल इंडियन एक्सप्रेस में ये पल्सिस दालों से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था, वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं।
देखिए अरविंद सुब्रमण्यम ने अपनी रिपोर्ट दी गवर्नमेंट को, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गवर्नमेंट को अभी जो दालों पर, दालों के एक्सपोर्ट पर बैन है, उस बैन को हटा लेना चाहिए और बहुत ज्यादा प्रोक्योरमेंट करनी चाहिए सभी दालों की, तुर उड़द मूंग किस प्राइस पे, एमएसपी प्राइसेस पे। देखिए जो फिलहाल जो है दालों का सॉरी फिलहाल जो मूंग का रेट है 4500 पर क्विंटल है, राजस्थान का एग्जांपल ये अरविंद सुब्रमण्यम यहाँ पे दे रहे हैं, और बहुत ज्यादा कम है। लास्ट ईयर इसका रेट था 6500 और इवन एमएसपी है 5225। तो देखिए एमएसपी से कितना कम प्राइस पर दालों का भी व्यापार यहां पर हो रहा है। और ये मूंग की बात नहीं है, इवन उड़द और तुर इनका प्राइस जो अभी एमएसपी से तो ज्यादा है, लेकिन जैसे मंडियों में आएंगी तो इसका प्राइस एक लेवल के बाद कम हो जाएगा। इस बार देखिए बम्पर क्रॉप यहाँ पे हुई है, पिछली बार तो कम क्रॉप हुई थी और दालों के रेट बहुत ज्यादा थे, इस बार बम्पर क्रॉप हुई है। 145 लाख हेक्टेयर पे हमने दालें उगाई थी इस बार और 29% ज्यादा हमारी क्रॉप है इस बार। क्यों? इसके कई रीजन है देखिए, क्योंकि इस बार एमएसपी ज्यादा है एक तो साफ साफ, और दूसरा मानसून भी अच्छा है, और फार्मर्स के लिए बहुत खराब सिचुएशन होगी तीन कंटेक्स्ट में, तीन सिनेरियोज में। एक तो गवर्नमेंट अपने एमएसपी पर प्रोक्योर ना करे, और दूसरा जो रीजन है अगर स्टॉक होल्डिंग होनी स्टार्ट हो जाए इसकी, और तीसरा जो रीजन है कि एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस ना हटाई जाए। तो अब इन तीन सिनेरियोज में तो फार्मर्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। तो गवर्नमेंट को अभी चाहिए कि फार्मर्स में एक कॉन्फिडेंस पैदा करें, क्योंकि अगर ये अगर गवर्नमेंट ने प्रोक्योर नहीं किया और उनके अपने जो जिस उनके अपने उनको हक नहीं मिला जिस प्राइस पर उन्होंने दालों का उगाया है, तो एक फार्मर्स का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और इसका असर गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर भी पड़ेगा। क्योंकि फार्मर्स का अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर कॉन्फिडेंस हट गया तो आने वाले टाइम में कुछ भी गवर्नमेंट वो कहेगी नहीं उगाएंगे। क्योंकि लास्ट ईयर आपको पता होगा जब दालों का रेट बहुत ज्यादा था, प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट ने अर्ज किया था फार्मर्स को कि आप दालें उगाएं, दालों से बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो देखिए अब दिक्कत ये है, अभी दालों के रेट कम हो गए तो कंज्यूमर को थोड़े टाइम तक फायदा हो जाएगा, ठीक है दालों के रेट कम हो गए, लेकिन अगले साल क्या होगा, फार्मर्स अगर उगाएंगे ही नहीं दालें तो फिर दोबारा से रेट बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे और दोबारा से प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी चाहे गवर्नमेंट को महंगा पड़े, फार्मर्स से दालें प्रोक्योर करनी पड़ेगी ताकि एक जो साइकिल है महंगाई का वो तोड़ा जा सके, और इवन फार्मर्स शुड बी एनकरेज टू ग्रो द मोर पल्सिस। और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि दालों का फायदा भी देखिए कितने सारे फायदे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं और ज्यादा सोइल को और ज्यादा फर्टाइल बनाती हैं, तो ये इकोलॉजिकल फायदे भी हैं, पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरा सोइल को फर्टिलिटी इंक्रीज करती है, तो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में और इन्वायरमेंट में काफी आता है। और सॉल्यूशंस क्या है इसके, सॉल्यूशंस ये हैं देखिए, प्राइवेट प्लेयर्स को ठेका दिया जाए कि वो ज्यादा अब प्रोक्योर करें और उनको और भी ज्यादा इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो एक बैक रूम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें जैसे कि गोदाम्स, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज किया जाए ना सिर्फ दालों के लिए अलग सीरियल्स के लिए भी। और देखिए फार्मर्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता, फार्मर्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि प्राइवेट प्लेयर्स उनकी फसलों को प्रोक्योर कर रहे हैं गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है या फिर एफसीआई कर रहा है या आईटीसी कर रहा है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको अपने पैसे उनको मिलना चाहिए। और देखिए जो दालों में है बहुत ज्यादा जो प्राइस वोलेटिलिटी है वो खत्म होनी चाहिए और गवर्नमेंट को एक स्टेबल पॉलिसी लाना चाहिए, क्योंकि इवन पूरे के पूरे आप देख लीजिए नॉर्थ इंडिया में प्रोटीन का एकमात्र जो सहारा है वो दालें हैं, ज्यादा यहाँ पे यही यूज होते हैं। देश के अलग अलग रीजन्स में साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया में तो देखिए नॉन वेज का भी काफी लोग इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन लेने के लिए, लेकिन नॉर्थ इंडिया में दालें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, तो यहाँ पे जो वोलेटिलिटी है वो खत्म होनी चाहिए। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।